हरे कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हरे कृष्णा डिवोशन पे। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की एकादशी का नाम है उत्पन्ना एकादशी, जो कि सभी पापों को नाश करने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं, सारी एकादशी सारे पापों को नाश करती है, लेकिन ये स्पेशल एकादशी समस्त पापों को नाश क्यों करेगी, वो आपको आज की ये कथा बताएगी। तो बिना वक्त गवाए हम शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं दुर्गेश कृष्ण दास और आप देख रहे हैं हरे कृष्णा डिवोशन चैनल पे उत्पन्ना एकादशी की कथा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कथाएं हम इस चैनल पर लेकर आने वाले हैं। तो बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। ये बात बहुत समय पहले की है, जब एक मूर नाम का दैत्य हुआ करता था, जो तीनों लोकों में हाहाकार मचाने के साथ साथ उसने स्वर्ग के सारे देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवराज इंद्र, वरुण, देव, अग्नि जैसे देवताओं को बड़ी ही आसानी से पराजित करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। इस बात से परेशान सारे देवता शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी से कृपा की याचना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि है महेश्वर, है देव के देव महादेव, कृपया करके हमारी रक्षा करें। तब शिव जी कहते हैं कि तीनों लोकों के पालन करता, तीनों लोकों के भक्त वत्सल भगवान श्री विष्णु के पास आप जाइए, वही आपकी इसमें सहायता कर सकते हैं। इस बात को सुनकर सारे देवता क्षीरसागर के लिए प्रस्थान करते हैं। क्षीरसागर में आने के बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि एक मूर नाम का दैत्य है जिसने आकार मचा रखा है तीनों लोकों में, और हमको स्वर्ग से बाहर निकाल जाए। वो काफ़ी बलशाली है, काफ़ी शक्तिमान है और हमें सभी देवताओं को पराजित कर दिया है। तब भगवान उनसे मूल राक्षस के बारे में पूछते हैं। तब देवता बताते हैं, देवराज इंद्र बताते हैं कि मूल राक्षस जो है चंद्रवती नाम की नगरी का राजा है, जो बहुत ही बलवान होने के साथ साथ काफ़ी बुद्धिमान तरीके से शातिरता के साथ हमको पराजित कर देता है। कृपया करके आप हमको हमारा स्वर्ग सिंहासन वापस दिलवाइए। इस बात से भगवान विष्णु कहते हैं कि चलो चंद्रवती नाम की नगरी में उस असुर का वध करने चलते हैं। दैत्य मूर का वध करने के लिए आज भगवान श्री विष्णु साथ ही साथ सारे देवता मौजूद हैं। देखते हैं कि अभी भी मूर नाम का जो दैत्य है वो हाहाकार मचा रहा है। मूर ने जैसे ही देखा कि सारे देवता फिर आ गए, उनको मारने के लिए दौड़ा, उन पर अस्त्र शस्त्रों का आक्रमण करने लगा। भगवान विष्णु भी सामने मौजूद थे, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं और भगवान विष्णु पर भी आक्रमण करने लगा। उसका एक एक तीर भगवान के चरणों में जाकर पुष्प बन जाता है, उसका एक एक अस्त्र भगवान के मुखमंडल में जाकर माला बन जाता है, फूलों की माला बन जाता है। लेकिन फिर भी वो दैत्य तस से मस नहीं हुआ, वो दैत्य कभी हारा नहीं। सारे के सारे दैत्य मारे गए, सारे के सारे राक्षस असुर मारे गए, लेकिन वो मूर जो दैत्य था वो अभी भी भगवान के साथ युद्ध कर रहा था। करीबन हजारों साल तक ये युद्ध चला, 10,000 साल तक ये भगवान और मूर दैत्य के बीच में युद्ध चलता रहा। भगवान थक हार कर बद्रिकाश्रम में एक गुफा है वहां पर विश्राम करने के लिए चले गए। अब विश्राम के पश्चात उनको निद्रा आ गई, वो विश्राम कर रहे थे, नींद में थे, और वही मूर जो दैत्य है भगवान का पीछा करते करते बद्रिकाश्रम पहुंच गया और उस गुफा में प्रवेश कर गया। उसने देखा कि भगवान सो रहे हैं, तो तुरंत वो मारने के लिए जैसे ही दौड़ा, भगवान के अंदर से एक देवी प्रकट होती है, इंटरनल पोटेंशियल, भगवान की अंतरंगा शक्ति प्रकट होती है और वो अंतरंगा शक्ति उस दैत्य का वध करती है। दैत्य का वध करने के बाद भगवान विष्णु जब निद्रा से जागते हैं, देखते हैं कि ये दैत्य मारा गया, प्रश्न करते हैं कि इस दैत्य को किसने मारा, जिस दैत्य को मैं भी नहीं मार पाया, हजारों साल तक युद्ध चला उसके बावजूद मैं नहीं मार पाया, किसने मारा आखिर इस दैत्य को। तब वो देवी बोल पड़ी कि है आराध्य, है भगवान, मैंने ही इस दैत्य को मारा है, क्योंकि ये आप नींद में सो रहे थे और आपको मारने का प्रयास कर रहा था और तीनों लोगों में हाहाकार मचा रखा था, मैंने ही इसे आपकी कृपा से इसको मारा है, इसका वध किया है। तब भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं कि है देवी, मुझसे वरदान मांगो, मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ। तब देवी कहती है कि यदि प्रभु आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो वरदान दीजिए कि ये एकादशी करने से सभी के पाप खत्म हो जाए, जो भी इस एकादशी का पालन करे श्रद्धापूर्वक उसके सारे पाप तुरंत दी एंड हो जाए। भगवान उन्हें वरदान देते हैं, साथ ही साथ भगवान कहते हैं क्योंकि तुम आज के दिन, आज इस एकादशी जैसे पवित्र दिन के दिन आप उत्पन्न हुई हैं, मेरे अंदर से प्रकट हुई हैं, इसलिए आपका नाम होगा उत्पन्ना। तो उत्पन्ना एकादशी इसी वजह से पड़ा है इस एकादशी का नाम। तो आप लोग उत्पन्ना एकादशी का आई होप आप लोग पालन कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो पालन कीजिए, और अगर नहीं हुआ है तो आने वाली एकादशी का पालन करिए, क्योंकि एकादशी पालन करना बहुत जरूरी है। एकादशी पे अन्य ग्रहण नहीं करना, अन्यथा आप आपके भाग्यदार होंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हरे कृष्णा।